अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आज हम आप लोगों को हिंदी पैडागॉजी के प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें क्योंकि यह सीटेट दिसंबर में होने वाला है। इसकी पैडागॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में भाषा के डॉट डॉट के प्रति डॉट डॉट बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। कक्षा में भाषा के प्रति विविधता, भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनाकर उसका भाषा शिक्षण करना चाहिए, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा क्षमताओं का विकास एक साध्य है और साहित्य एक संसाधन है, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डॉट डॉट सर्वाधिक सहायक है, बताएं इसका आंसर। सर्वाधिक सहायक क्या है? तो बच्चों की भाषाई क्षमताओं के लिए सर्वाधिक सहायक है वो है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, बताएं इसका आंसर। तो बहुभाषिकता को पोषित करता है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, बताएं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते, किससे, समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात एक स्वाभाविक है, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना लिखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, कौन सा है, बताएं इसका आंसर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना लिखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है तो वो है अक्षरों की पहचान, ए इसका सी इसका सही आंसर, अक्षरों की पहचान। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किस पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किससे महत्व नहीं देता, बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है भाषा अनुकरण करने को, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन,
भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश, ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार वाइगोत्स्की का है। किसका? वाइगोत्स्की। सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का प्रमुख आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताएं इसका आंसर। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? जो भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक अंतःक्रिया, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर नई भाषा आसानी से सीखेगा, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण श्रुतलेख, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पढ़ने का संबंध अर्थ से है, किससे? पढ़ने का संबंध अर्थ से है, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने की कोशिश न रखते हुए, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त .. सामग्री का विकास किया जा सकता है, किसके द्वारा? पूरक के द्वारा, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित विज्ञान आदि विषयों के कक्षा में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है निराधार, पूर्णता सत्य, पूर्णता असत्य, आंशिक रूप से सत्य, बताएं इसका आंसर। तो यह पूर्णता सत्य है, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है, सबसे कम सहायक क्या है, बताएं इसका आंसर। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण, भाषा परिवेश, तो इसका आंसर है व्याकरण, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में .. सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा समृद्ध भाषा परिवेश, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी कर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का उचित नहीं है, बताएं क्या नहीं है। तो हिंदी
प्रवासियों के आक्रोश को शांत करना। डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषा एक सहज होती है। कैसी? सहज। ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कविता शिक्षण की विधि है? तो कविता शिक्षण की विधि एक अक्षर बोध प्रणाली है। डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, शिक्षक ने कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव सुंदर आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विद्या का शिक्षण करा रहा है? तो वह एक रेखा चित्र का अध्ययन करा रहा है। अगला क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग हैं कौन से? पत्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सोहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी भाषा वर्ग लिखते समय अक्षर ने का सही प्रयोग नहीं करता, इसका मतलब है क्या है? तो इसका जो मतलब है, यही उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहाँ बोलते समय अक्षर आवश्यक स्थितियों में प्रयोग नहीं किया। डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो प्रत्यक्ष विधि को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठ कौन सा? भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार पक्ष पर बल देने का आशय है कौन सा है? भाषा प्रयोग पर बल देना। तो आज के यह 35 प्रश्न हिंदी पेडागोजी के, तो आप लोग इस क्लास को एक बार और रिपीट देख लीजिएगा, क्योंकि यह हिंदी पेडागोजी CTET के हिसाब से काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पेडागोजी कराई है हमने इस क्लास में। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अनुष्का अकेडमी ग्वालियर जो YouTube चैनल है, यहाँ पर CTET की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।